पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के पेंडिंग रोड प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने की गुजारिश की गई। पंजाब की मांग है कि भारतमाला परियोजना के तहत पंजाब के बड़े शहरों के आसपास रिंग रोड प्रोजेक्ट्स को जल्द हरी झंडी दी जाए। रिंग रोड प्रोजेक्ट्स के लिए पंजाब सरकार भूमि अधिग्रहण की 50% कीमत वहन करने को तैयार है। मोहाली, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, संगरूर और भटिंडा जैसे शहरों के इर्द गिर्द रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे निर्माण का काम जल्द शुरू किया जाए। पटियाला सरहिंद मोरिंडा रोड को 4 लेन किया जाए। साथ ही बंगा, गढ़शंकर, श्री आनंदपुर साहिब, नैना देवी रोड की हालत को सुधारने की तरफ NHAI विशेष ध्यान दे। सर एंड यहाँ के MLA साहबान, MP साहबान, हम मिनिस्टर गडकरी साहब को दो कारणों को मिल गया है। दोनों उनके पोर्टफोलियोज के हमारे साथ कनेक्शन जो है, एक तो PWD की नेशनल हाईवे और जो बाकी पंजाब के लिए हमने कुछ सड़कों का डेवलपमेंट करनी है। पंजाब के जल संकट के मुद्दे को केंद्रीय लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री के सामने रखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एग्रो क्लस्टर को बढ़ावा देने की गुजारिश की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से गुजारिश की कि लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योगों के विकास के लिए पंजाब का दौरा करें, ताकि कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सके। इसके जरिए जल संकट से जूझ रहे पंजाब को संकट से उबारा जाए। DIC बिल्डिंग्स के अपग्रेडेशन के लिए फंड जारी करने की गुजारिश के साथ 10 जिलों में नए DIC सेंटर का निर्माण कराने की डिमांड रखी। हब एंड स्कोप के तहत टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम पर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ जो इनका मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह इनकी पोर्टफोलियो है, उसके लिए भी वी हैव टू एग्रो क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे हमें, ताकि पानी हमारा कम हो रहा है, इन सब्जियों को हैंडल करने के लिए क्लस्टर्स हमें देंगे। बैठक के दौरान सांसद परनीत कौर, मनीष तिवारी, गुरजीत सिंह और PWD मंत्री विजय इंदर सिंगला भी मौजूद रहे। दिल्ली से नितिन धीमान, जी मीडिया।